जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की ये वीडियो हेलीकॉप्टर की बुकिंग से जुड़ी एक विशेष खबर को लेकर बनाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि यात्रा के लिए जब भी हर साल श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होती है तो उनमें से टिकट्स का कुछ कोटा प्राइवेट एजेंट्स का भी होता है, यानी कि काफ़ी टिकटें श्राइन बोर्ड उन प्राइवेट एजेंटों को भी उपलब्ध करवाता है। आप बुकिंग ओपन होने के बाद श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उन प्राइवेट एजेंटों के नंबर देख सकते हैं। वही एजेंट पैकेज टूर बनाकर टिकटों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी व होटल की फैसिलिटी ऐड कर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पर यात्रियों को बेचते हैं। इसलिए यात्रा की शुरुआत की जो हेलीकॉप्टर की टिकट्स रहती हैं वो अधिकतर प्राइवेट एजेंट ही बुक कर लेते हैं, जिससे कि बाकी यात्रियों को स्टार्टिंग की डेट नहीं मिल पाती है और इसके चलते शुरुआत में बाबा जी के दर्शन की इच्छा रखने वाले यात्रियों को ना चाहते हुए भी काफ़ी मूल्य चुका प्राइवेट एजेंटों से वो पैकेज खरीदने पड़ते हैं। इसी को लेकर भक्तों, एक बड़ी खबर सामने आई है कि यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा प्रदान करने और यात्रियों द्वारा सीधी बुकिंग के लिए सभी टिकटों को ऑनलाइन सुलभ बनाने के लिए बुकिंग एजेंटों द्वारा कथित कदाचार और कालाबाजारी को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड से जवाब मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पर लगाए गए आरोपों पर बोर्ड को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और इस मामले पर सुनवाई की तारीख 31 मई तय की गई है। याचिका दायर करने वालों का कहना है कि श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग एक्सेस करने पर यात्रियों को हेलीकॉप्टर कंपनियों द्वारा बनाई गई वेबसाइटों पर भेज दिया जाता है। आरोप है कि ये एजेंट उन टिकटों को जरूरतमंदों को ऊंची कीमत पर बेचते हैं। याची ने कहा कि असहाय तीर्थयात्रियों को होटल व्यवसायियों के माध्यम से पैकेज के हिस्से के रूप में अत्यधिक दरों पर, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, भले ही टिकट बोर्ड द्वारा निर्धारित रियायती दरों पर बेची जानी हो। याची ने अदालत से आग्रह किया कि श्राइन बोर्ड भी सीधे बुकिंग के लिए श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड या भारतीय रेलवे जैसा पोर्टल बनाए ताकि बुजुर्गों व आम लोगों को बोर्ड द्वारा तय रियायती दरों पर टिकट मिल सके। याचिका में कहा गया है कि पारदर्शिता और समान रूप से सुलभ सभी टिकटों को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराने का कोई कारण या औचित्य नहीं हो सकता है। यह सार्वजनिक हित होगा और ऐसा नहीं करना स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित के खिलाफ है। तो भक्तों, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस याचिका के चलते हाईकोर्ट की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा और हेलीकॉप्टर की बुकिंग भक्त उचित मूल्यों में सुविधाजनक तरीके से बुक कर सकेंगे। यात्रा से जुड़े सभी अपडेट व जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।